शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विरेंद्र बेटा, तुमने अपने मौसा की बात नहीं मानी और मृदुला बिटिया, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और धर्म की दुहाई देकर एक मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। लेकिन एक ब्राह्मण देव की बात तो मानोगे, सुनोगे? त्रिगुण जी सत्य कह रहे हैं, मृत्यु के बाद किसी का अंतिम संस्कार ना करने देना बहुत बड़ा पाप होता है। सुन लिया? अब भी अगर तुमने मनोहर का अंतिम संस्कार नहीं किया तो मनोहर को शमशान में भी स्थान नहीं मिलेगा, मुखाग्नि तक नहीं मिलेगी। मौसा जी, मेरे मनोहर को कोई मुखाग्नि नहीं देगा, वो फिर से जीवित होगा, उसके प्राण वापस आएंगे, मेरा मनोहर फिर से जीवित होगा। मृदुला बिटिया, तुम्हारे विश्वास के कोरस को दो दिनों से सुन रहा हूँ मैं, और अगर अब भी तुमने मनोहर का अंतिम संस्कार नहीं किया तो पूरा समाज यहाँ आ जाएगा। अब और धर्म का निरादन तुम्हें नहीं करने देंगे हम। हे लड्डू गोपाल, मेरे विश्वास की रक्षा कीजिए, तुलसी की भक्ति की रक्षा कीजिए, मेरे मनोहर के प्राण लौटा दीजिए। मृदुला बिटिया, कर लो प्रार्थना, और ये तुम्हारी अंतिम प्रार्थना है, इसके बाद मनोहर का अंतिम संस्कार होगा। ये तुम क्या कह रहे हो मोरपंखी बालक? तुलसी, यही सत्य है। जब प्रभु श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए बाली का वध किया था, तब बाली के अंतिम समय में उन्होंने बाली को यह वरदान दिया था कि जिस प्रकार मेरे तीर से तुम्हारा वध हुआ, उसी प्रकार मेरे कृष्ण अवतार का महाप्रस्थान के कारण तुम बनोगे। तो क्या इसीलिए व्यासराज भगवान श्री कृष्ण के महाप्रस्थान के कारण बने? हाँ तुलसी, इसलिए व्यासराज की मुक्ति भगवान श्री राम की भक्ति से ही हो सकती है। सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी, दशरथ नंदन संयम धारी, प्रीत सदा से चलती आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम राम। मोरपंखी बालक, तुम्हारे पास इस संसार में सभी समस्याओं का समाधान होता है, पर कैसे? तुलसी, बस इतना समझ लो, जो भक्ति को सही अर्थों में जानते हैं वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए अब विलंब मत करो, शीघ्र अति शीघ्र व्याजराज के श्राप को दूर करवाओ, अन्यथा मनोहर और कामदेव के साथ अनर्थ हो जाएगा। ऋषिवर, हवन कुंड की अग्नि को प्रज्वलित कर और विवाह के मंत्र पढ़िए। आज मुझे देवी रति से विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता। ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः, ओम अग्नि देवाय नमः। ये संसार मेरे क्षमा के योग्य ही नहीं है, अब जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका वध कर दूंगा मैं। श्री राम नाम का महिमा मंडन कर रहा है, कौन है ये? हरी अनंत हरी, कथा
बंद करो ये भजन। तुम अभी तक जीवित हो? हे प्रभु, जिसके साक्षी प्रभु श्री राम थे, जिस वचन के साक्षी आप थे, वो विवाह झूठा कैसे हो सकता है? या तो मेरे मनोहर को जीवित कीजिए, या फिर मृदुला के भी प्राण हर लीजिए। मैं अपने मनोहर के बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती प्रभु, उस पे दया कीजिए। पंडित जी, ये विलाप तो कभी समाप्त नहीं होगा, आप अंतिम संस्कार की तैयारियां करें। त्रिगुण जी सच कह रहे हैं, उठाइए इस मृत शरीर को और ले चलिए। रुक क्यों गई रति? विवाह के फेरे पूर्ण करो, चलो। अब मुझे तुमसे विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है महागण। क्योंकि ये परिवर्तन इस बात का संकेत है कि तुलसी कामदेव को श्राप मुक्त करने वाली है। रति, विवाह तो तुमको मुझसे ही करना होगा, चाहे वो तुम्हारी इच्छा से हो, चाहे मेरी इच्छा से। प्रभु श्री राम, मेरे उद्धारक राम, प्रभु त्रेता युग में आपने मेरा अंत करके मुझे मेरे अधर्मों से रोका था, पर द्वापर में आप अपने धाम चले गए और मुझे अकेला छोड़ गए। तब से यहां मैं श्रापित जीवन जी रहा हूं प्रभु, तब से मैं कष्ट भोग रहा हूं। मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु? मेरी मुक्ति का मार्ग दिखाइए प्रभु, मुक्ति का मार्ग दिखाइए। यादराज, क्षमादान ही मोक्ष का द्वार है। क्षमा से बड़ा न तप है न धर्म, इसलिए क्षमा कर दीजिए प्रतिमन को, वापस ले लीजिए अपना दिया हुआ श्राप और आपको स्वयं मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं नहीं तुलसी, मेरे श्राप वापस लेने से भी मेरी मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि युगों से मैंने क्रोध में आकर जो भी अधर्म किए, जो भी कर्म किए, उससे मुक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। क्या तुम मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा सकती हो? यादराज, जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है, इसलिए आप हरे कृष्ण हरे राम का जाप कीजिए। एक बार प्रभु के इस महामंत्र का जाप करके तो देखिए, आपको उनके दर्शन अवश्य होंगे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।